दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं, सुनते हैं यूएफओ साइटिंग के बारे में, लेकिन इन यूएफओ साइटिंग की एक बात लगभग कॉमन रहती है। वो ये कि जितने भी यूएफओ देखे जाते हैं वो ज़्यादातर यूएस के अंदर देखे जाते हैं। यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा यूएफओ की साइटिंग होती है। ये क्या चक्कर है, यूएस के अंदर ही सबसे ज़्यादा यूएफओ क्यों देखे जाते हैं? एलियंस को क्या कोई दूसरे देश पसंद नहीं है? वो इंडिया के अंदर क्यों नहीं दिखाई देते, या फिर इंडिया के अलावा बाकी दूसरे देशों के अंदर क्यों नहीं दिखाई देते? या फिर यूएस वाले कुछ ऐसे सिग्नल्स भेज रहे हैं जो कि एलियंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उन सिग्नल्स का पीछा करते करते एलियंस यूएस के अंदर आ रहे हैं? यूएस के अंदर क्यों ज़्यादा दिखाई देते हैं यूएफओ, इसी के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको अपना वीडियो पसंद आए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब इस चीज़ के पीछे दो तीन अलग अलग कारण हैं कि यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा यूएफओ क्यों देखे जाते हैं, और मुझे लगता है कि जो सबसे पहला कारण है वो सबसे बड़ा कारण है, सबसे मेन कारण है। ये कारण है साइकोलॉजी। वहां के लोगों की, यूएस के लोगों की साइकोलॉजी ही कुछ ऐसी है। मान लीजिए हमको कोई फोन खरीदना है, आईफोन खरीदना है, तो हमको हर जगह आईफोन ही आईफोन दिखाई देगा। अगर किसी के भी हाथ में आईफोन होगा तब हमारी नज़र उसके ऊपर झट से चली जाएगी कि उसके हाथ में आईफोन। अगर हमको कोई ऐसी कार खरीदनी है, हमको मान लीजिए हैरियर खरीदनी है, तब हमारी नज़र उस हैरियर की तरफ ही रहेगी, दूर से चलती हुई हमें दिखाई दे जाएगी। अब ऐसा ही कुछ यूएस के लोगों के साथ है। वहाँ के लोगों को यूएफओज, एलियंस, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। यूएस के अंदर वहाँ पर एलियंस की अलग अलग कहानियाँ सुनाई जाती हैं, और एलियंस को लेकर वहाँ पर कुछ त्यौहार भी मनाए जाते हैं। लोग एलियंस के जैसी ड्रेस पहनते हैं, यूएफओ के जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनको लेकर गलियों में घूमते हैं। तो वहाँ के लोगों का जो क्रेज़ है एलियंस के लिए, यूएफओस के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। तो उनको कुछ छोटी से छोटी चीज़ भी, कुछ भी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट या फिर कोई बलून भी मान लीजिए, उसको भी यूएस के लोग एज ए एलियन देखते हैं। उसके बारे में बाद में थोड़ी बहुत अफवाह फैला देते हैं, बाद में थोड़ी बहुत उसके ऊपर और कहानियाँ जोड़ देते हैं, और न्यूज़ चैनल्स, मीडिया के बारे में तो आपको पता ही है, वो तो बात के और तड़का लगाकर आगे बताते हैं। और इस मामले में यूएस की गवर्नमेंट भी बिल्कुल पीछे नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट भी एलियंस के ऊपर, एलियंस की रिसर्च के ऊपर हर साल बहुत सारा पैसा लगाती है। अब उनका मानना यह है कि जो एलियंस हैं, जो यूएफओज हैं, वो उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं, यानी कि वो उनके देश को कोई खतरा पहुंचा सकते हैं, तो कंटिन्यूसली वो यूएफओज के ऊपर, एलियंस के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, और इसीलिए अलग अलग तरीके के ऑपरेशन एलियंस के ऊपर, एलियंस की रिसर्च के ऊपर चलाए जाते हैं। एक बार ऑपरेशन ब्लू बुक चलाया गया था एलियंस की रिसर्च के ऊपर, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया था, करोड़ों में पैसा लगाया था, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसको बंद कर दिया क्योंकि कोई भी उससे आउटपुट नहीं निकल रहा था और उसके ऊपर खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसको बंद कर दिया। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि कुछ सीक्रेट ऑपरेशन एलियंस के ऊपर हमेशा चालू रहते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पब्लिकली शेयर नहीं की जाती, कई सारी ऐसी फोटोज़ वीडियोज़ हैं जो कि किसी को भी नहीं दिखाई जाती, और वो इसलिए नहीं दिखाना चाहते क्योंकि अगर वो सबके सामने आ गई तो हो सकता है लोगों के अंदर थोड़ा डर का माहौल पैदा हो जाए, लोग एलियंस से डरने लगे, हमेशा खौफ में रहें। लेकिन फिर भी कई चीज़ें पब्लिकली सामने आ गई थी। यूएस का एयरफोर्स का एक जहाज फाइटर जेट हवा के अंदर उड़ रहा था, उसको हवा के अंदर ही एक यूएफओ दिखाई दिया। मतलब यूएफओ का मतलब क्या होता है, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। उसकी जो शेप थी वो एकदम ही डिफरेंट थी, उसके जो एरोडायनेमिक्स की जो इंजीनियरिंग थी वो एकदम अलग थी। अर्थ के ऊपर ऐसी एरोडायनेमिक्स की इंजीनियरिंग फिलहाल के टाइम पर मौजूद नहीं थी। जब उसने पीछा किया इस यूएफओ का, वो यूएफओ अमेरिका के फाइटर जेट के हाथ नहीं आया, उसकी स्पीड अमेरिका के फाइटर जेट से भी ज़्यादा थी। अब जो फाइटर जेट होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, साउंड बैरियर भी वो क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि आवाज़ की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड होती है उन फाइटर जेट्स की। और अमेरिका की टेक्नोलॉजी के बारे में सबको पता है, उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है और उनके फाइटर जेट्स भी सबसे एडवांस है। तो अपनी अर्थ के ऊपर जो सबसे फास्टेस्ट, सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट थे, वो भी उस यूएफओ को नहीं पकड़ पाए। वो यूएफओ उससे, फाइटर जेट से भी आगे जा रहा था, और बाद में अचानक से उस पायलट ने बताया कि वो यूएफओ चलते चलते अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे, यानी कि पहले वो स्पीड से इस तरफ जा रहा था, अचानक से वापस इस तरफ आने लग गया। ये जो चीज़ थी ये इशारा करती है कि वो कोई आम इंसान नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। नॉर्मल सड़क के ऊपर गाड़ी चल रही है, 100-150 की स्पीड में मान लेते हैं, 150 की स्पीड में मान लेते हैं, काफ़ी तेज गाड़ी चल रही है, उसको रोकने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, और उस गाड़ी के ऊपर नीचे टायर्स हैं तो टायर से थोड़ा फ्रिक्शन पैदा होता है, बाद में हवा का भी थोड़ा दबाव रहता है, एयर फ्रिक्शन भी रहता है। अब फाइटर जेट्स होते हैं उनको रोकना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास कोई भी नीचे टायर्स नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, उनके ऊपर केवल हवा का फ्रिक्शन है। अब वो स्पेसशिप हवा के अंदर चलते चलते अचानक से एकदम अपोजिट चलने लग गया। क्या उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि उसने अचानक से अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली? जितने भी फिजिक्स के लॉ अर्थ के ऊपर हमने बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं, वो सभी लॉज वो यूएफओ तोड़ रहा था। इस इंसिडेंट की बाकायदा वीडियो भी बनाई गई, लेकिन उस वीडियो को कभी भी पब्लिकली शेयर नहीं किया गया। अब हमेशा इसको एज ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ही रखा, और सीक्रेट प्रोजेक्ट के नाम से जो याद आती है चीज़ यूएस के अंदर, वो है एरिया 51। एरिया 51
वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट प्लेस है यूएस के अंदर, उस एरिया 51 के अंदर तो दूर, उस एरिया 51 के आसपास भी किसी दूसरे, किसी आम इंसान का, किसी भारी इंसान का भटकना एकदम मना है। अगर कोई वहाँ पर उस एरिया 51 के नज़दीक भी पाया गया तो उसको जेल हो सकती है, उसके ऊपर फाइन लग सकता है। अब लोगों की काफ़ी सारी अलग अलग थ्योरी है एरिया 51 को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर कुछ सीक्रेट सर्वेलांस प्रोग्राम चलाए जाते हैं यूएस के जो दुश्मन देश हैं उनके खिलाफ, जैसे कि रशिया। तो रशिया को कोई भी जानकारी ना हो, रशिया को कोई भी इन्फॉर्मेशन ना जाए, इसलिए वहाँ पर सीक्रेटली ये प्रोजेक्ट किए जाते हैं। बाकी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पर कुछ एलियंस यूएस को मिल गए थे, कुछ यूएफओज पकड़ लिए थे यूएस ने, और उन यूएफओज को उस एरिया 51 के अंदर रखा गया है, और वहाँ पर उन एलियंस की, उन यूएफओज के ऊपर रिसर्च चल रही है, उनकी टेक्नोलॉजी को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वहाँ से वो डायरेक्ट एलियन से कॉन्टेक्ट करते हैं, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने बना ली है कि वो एलियन से बातें कर सकते हैं। तो तमाम तरह की अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन सच क्या है वो अभी तक किसी को नहीं पता है। तो बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर अपना वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, अपने चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।